All right, ladies and gentlemen, this video is for gentlemen, only gentlemen. If you are ladies, then please skip this video, okay? So, let's start it. Intro. Okay, तो आज हम बात करेंगे अगर कोई कपल, कपल मीन्स मतलब लड़का, ठीक है, यहाँ पे लड़का, वैसे तो कपल होता है लेकिन यहाँ पे हम लड़कों की बात करेंगे और ये वीडियो बॉयज़ के लिए है, वैसे स्पेशली आजकल के होते हैं ना, यंग जनरेशन पागल हो जा रही है प्यार के पीछे, तो उनके लिए है। अगर आप भागने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि यार भाग के शादी हो जाए और मज़ा आ जाए लाइफ में वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल, आप परफेक्ट जगह आए हो। इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है, अवेयरनेस। तो देखो, अगर आप भागने की सोच रहे हो, ओके, भाग के शादी करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको स्टेजेस बता देता हूँ क्या क्या होंगी। देखो, भाग के ना, अगर आप भागने की सोच रहे हो तो आपका जो मेन एम है ना, वो होना चाहिए मैरिज। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वो होना चाहिए मैरिज। मैरिज ये नहीं कि मंदिर में जाके ये कर लिया या फिर ये कर लिया, ये देखो इसको, तो ये नहीं करना, ठीक है, इसको आप शादी नहीं कहते। बेशक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कुछ भी करो, वो शादी नहीं है। जब तक आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब तक आप अनमैरिड हो, ठीक है। तो आपको पहले शादी करनी पड़ेगी। अगर आपने भागने का प्लान बना लिया है तो आपको शादी, कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो ये मस्जिद तक यानी कि शादी ही करनी पड़ेगी, वो रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब आपकी जान बचेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे पे। अगर आप सोच रहे हो भागने की, भाग के शादी कर लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने लड़की भगाई, ठीक है, उस मतलब भगी मतलब गायब हुई, मिसिंग प्लेस हुई, और शादी को यार ऐसा तो नहीं आप जाओगे एक दिन में ही आपकी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, नोटिस, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो फैमिली को पता चलेगा, किसकी, लड़की वाली को, वो क्या करेंगे, मिसिंग कंप्लेन कराएंगे, ठीक है, मिसिंग 24 आवर्स के बाद जो भी होती है ना। फिर अगर उनको लगता है कि यार कोई भगा ले गया होगा उसको, मतलब जिस पे शक हो गया, तो उस पे लगती है 366 एबडक्शन, ठीक है, यानी कि भगाने का चार्ज, उद्देश्य से भगाने का चार्ज, ठीक है। और जैसे ही वो पकड़ा गया, मान लो आप पकड़े गए, आप भाग नहीं पाए, आप भागना चाह रहे थे या किसी ने देख लिया, कुछ भी हो गया एक्स वाई जेड, और आपको पकड़ लिया, तो लड़के के ऊपर लगेगी 376, ठीक है, भगाने का चार्ज, धमकी देने का चार्ज और जान से मारने की धमकी, यही लगता है, यही लगता है। अब आप कहोगे, आप में से कहोगे कि यार मेरा प्यार है वो बयान मतलब मेरे फेवर में देगी अगर लड़की, तो देखो पहले मैं आपको बता दूँ, अगर लड़की 18 साल से कम है तो उसका बयान नहीं माना जाएगा, अगर वो 18 साल से अबव है तो उसकी फैमिली उसको इतना प्रेशराइज कर देंगे, उसको बयान बदलना पड़ेगा। अब आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही होगी कि यार वो बयान क्यों बदलेगी, ठीक है, वो नहीं बदलती बयान, उसकी फैमिली वाले वो उसको इतना प्रेशर कर देते हैं, उसको बदलना पड़ता है, ठीक है, ये मिलियन डॉलर ट्रूथ है भाई, मान लो, जान लो, ठीक है, कितना भी बड़ा प्यार है बदल जाएगा, प्रेशर होगा उस पर उसकी फैमिली का, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत बचानी है, उसके माँ बाप को अपनी इज्जत बचानी है, समझो इस बात को, ठीक है। अगर उसको नहीं बचानी होती तो वो खुद ही शादी करा देते, ठीक है, उनको अपनी इज्जत बचानी होती है, फिर तो वो सारा दोष लड़के पे ला देते, लड़के को लग जाती है, गया 7 से 14 साल तक, ठीक है, अगर प्रूफ हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि यार लड़की को भगा लेंगे और, ठीक है, स्पेशली आप सोच रहे हो अगर आप अर्निंग नहीं करते हो तो देखो बिल्कुल मत भगाओ, क्योंकि बहुत खर्चा होने वाला है। क्या लग रहा है आपको एक लड़की को भगाना, उसके साथ रहना, बाहर कहीं भी रह लेंगे, कोई नहीं रहने देता मेरे भाई, कोई भी नहीं रहने देता, ठीक है। फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, क्या लगता है आपको एक बार में आप भाग के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, आपको घर नहीं आना पड़ेगा, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती है उसके लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, ठीक है। तो ये सब आप अवेयर रहो, किसी के चक्कर में ना हो। आपको एडवोकेट्स ऑफर देंगे कि यार शादी करा देते, तेरी ये है वो, इतने पैसे दे दे, तो देखो यार ये सब ट्रैप है, ठीक है, ये सब ट्रैप है। अपनी लाइफ का एक एम रखो, वहाँ पे जाओ, मतलब अपनी एम रखो, उसको पूरा करो, ठीक है। और ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे कि लड़कियाँ मिलेंगी नहीं क्या, मतलब ऐसे पागल हो रहे हैं। अभी कल मेरे को मतलब इंस्टा मेरा ना भरा पड़ा है, 20 साल के लड़के पागल हो रहे हैं, बोलते हैं कि शादी करनी है सर, उसको ये है, मुंबई की है लड़की, वहाँ की है, पता नहीं क्या क्या। अरे मतलब इतनी कम उम्र में तुम्हें अभी से शादी करनी है, तो शादी के बाद वाले काम कर लो ना, तो शादी क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अर्निंग नहीं करते, यानी कि अगर आप
आपकी मंथली सैलरी नहीं आती अदर देन पेरेंट्स, तो देखो आप बिल्कुल ना करो। अगर आपकी आती है तो आप रिस्क लो। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको शादी तक जाना है, रजिस्टर्ड मैरिज, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आर्य समाज में शादी कर ली, सिंदूर लगा दिया, ये सब नहीं चलता, ठीक है। कोर्ट है ये, ठीक है, यहाँ इंडिया में लॉ पे चलता है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग आती है अब कभी कभी क्या होता है, लड़की ना अपना आधार कार्ड दिखा देगी कि यार मैं 18 से अबव हूँ ऐसे। तो देखो आधार कार्ड होता है ना वो बस परमानेंट रेजिडेंस के लिए होता है बस, ठीक है। अगर आपको किसी लड़की की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जाननी है ना, मतलब एक्चुअल, ठीक है, अदर देन आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है, तो वो आप 10th की मार्कशीट में जाके देखो, ठीक है। अगर लड़की कहती है वो खो गई है वगैरह वगैरह, इट्स मीन्स सी इज़ लाइंग, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ फैमिली को क्या होता है कि यार ये लड़की भागेगी मान के चलो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसकी ना 10th की मार्कशीट गुम कर देते हैं, ठीक है। और फिर कल को वो भाग जाती है, फिर लड़के पे केस कर देते हैं कि इसने नाबालिग लड़की को भगाया। और अगर लड़की 18 साल से कम है तो भाई केस होगा पक्का ही, ठीक है, बिल्कुल पक्का केस होगा, भले ही लड़की आपके फेवर में दे कुछ भी हो, ठीक है। अगर 18 से अबव है तो प्रेशराइज होएगा, सीधी बात। तो अपनी ज़िंदगी कीमती है भाई, बचो इन ट्रैपों से, बचो। अगर आपको शादी करनी है अपनी फैमिली को बोलो मान के, तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ऑप्शन है, ठीक है। तो लड़कियाँ की कमी है यार, पता नहीं क्या पागल हो जा रहे हैं, इतनी सारी लड़कियाँ हैं इस इंडिया में, इस विदेश में, मतलब बहुत सारी पागल। और जनरल बातें, लीगल बातें, अब मैं आपको थोड़ी इथिकल बातें बताता हूँ। तो देखो अगर आपको ये लगता है ना कि आप लड़कियाँ नहीं मिलेंगी वगैरह वगैरह, तो देखो इस चीज़ का ना एक स्टेज होता है, एक टाइम होता है, अपने आप मिल जाएंगी। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये लगता है कि जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, मतलब वो रिलेशनशिप में है और वो आपको बच्चा बोलते हैं, होता है ना कि भाई तू इतना बड़ा हो गया, तेरे पास लड़की नहीं है, मतलब तेरे पास GF नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो यार देखो उस बवासीर से आप बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। नहीं है नहीं है, ठीक है, अब उसको बोलो भाई तू है, खुश रह, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और ये जो फालतू की मूवीज़ होती है ना, इनको देखना बंद करो भाई, वो कैमरा है, कैमरे के पीछे कुछ भी कर सकते हैं वो, और आपको नहीं पता कैमरे के पीछे क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है। तो उस चीज़ पे मत जाओ, वो अपना पैसे कमा रहे हैं बस, मनी, और आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या हो रहे हैं, हर किसी को कबीर चाहिए, प्रीति बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सोच लिया, पक्का मन बना लिया है कि यार भगानी है लड़की, तो देखो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो आप रजिस्टर्ड कराओ मैरिज को, ताकि कल को कोई आपको दिक्कत ना हो, आप चार बंदों में खड़े होकर बोल सको कि भाई हमारी मैरिज है ना जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, पुलिस के आगे भी बोल सको कि ये रहा सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई रेप केस नहीं लगा सके, कुछ भी नहीं कह सके, ठीक है। एक तरफ से आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, ओके। ये तो हो गई कुछ बातें। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक्स हैं, वहाँ जाके आप कॉल करो, पे करो, चिल करो एंड एंजॉय करो, ओके। तो आई हैव डन माई वर्क, सो यू डू योर वर्क, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।